हेलो एवरीवन, तो हम यही पॉइंट लिख रहे थे सुपरविजन का कि हमने कहा था कि जो डायरेक्टर्स है वो सारे कंपनी के फाइनेंशियल ऑपरेशंस को चेक करते हैं थोड़े थोड़े टाइम के बाद, है ना। कि फिर जो वो चेक करके क्या चीज़ नोट करते हैं कि जो आपका उनका करंट रिजल्ट है उसको पास्ट जो रिज़ल्ट था पहले वाला उससे कंपेयर करेंगे, ठीक है। और उससे कंपेयर करके अगर इम्प्रूवमेंट होती है तो अच्छा है, ठीक है। तो अगर मतलब अगर इम्प्रूवमेंट हो रही है तो वो भी देखेंगे कि कैसे इम्प्रूवमेंट हुई, पहले से भी ज़्यादा इतना अच्छा हमने कौन सा मेथड यूज़ किया, फिर वो आगे उसे फॉलो करेंगे। अगर मान लो डिप्रूवमेंट होती है, ठीक है, कमी रह जाती है, कोई कम है, तो वो चीज़ देखेंगे भाई कम कहाँ, मतलब कमी कहाँ पर रह गई, ठीक है। फिर उसके आगे डिसीजन, फिर एक्शन चलेगा, प्रोसेस जो होता है, ठीक है। तो ये प्रोसेस चलता है, मीन्स फर्दर एग्जामिनेशन होती है, ठीक है। फिर बात आती है जहाँ पे बजटरी कंट्रोल का काम हो, ठीक है, वेयर बजटरी कंट्रोल इज इन यूज, अटेंशन विल बी ड्रॉन, अटेंशन विल बी ड्रॉन टू मटीरियल वेरियंसेस, मटीरियल वेरियंसेस एंड एक्सप्लानेशंस रिक्वायर्ड, एक्सप्लानेशंस रिक्वायर्ड फ्रॉम टाइम टू टाइम, फ्रॉम टाइम टू टाइम स्पेशल रिव्यूज ऑफ पर्टिकुलर आइटम्स की, है ना। बजटरी कंट्रोल में क्या है ना, मटेरियल की चेंजेस पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, ठीक है। कि मान लो, है ना, मतलब मटेरियल में ज़्यादा फ़र्क पड़ता है ना, तो फिर वो एक्सप्लेनेशन मांगते हैं, ठीक है। अगर एक्सपेक्टेड सा होता है कि इतना तो फ़र्क होगा तो कोई कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। अगर ज़्यादा चेंज आता है तो फिर उसके लिए, है ना, मतलब वो एक्सप्लेनेशन मांगते हैं। फ्रॉम टाइम टू टाइम जो, है ना, मतलब एक पर्टिकुलर आइटम पे स्पेशल रिव्यू, है ना, मतलब चेक किया जाता है ना, जैसे स्टॉक है, स्टॉक को टाइम टू टाइम चेक किया जाता है। मान लो एक टाइम, एक दिन पे हम कितने बार चेक कर लेते हैं ना, स्टॉक से उसे चेक करना पड़ता है, ठीक है। और द ऑपरेशन ऑफ द वेजेस डिपार्टमेंट, ठीक है, जो वेजेस डिपार्टमेंट का सारा काम, इसे भी चेक करना पड़ता है टाइम टू टाइम, ठीक है। ऑपरेशन ऑफ द वेजेस डिपार्टमेंट एंड ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखना पड़ता है, शुड बी अंडरटेकन ठीक है जी। ये तो था सुपरविजन। अब हम नेक्स्ट पॉइंट बात करेंगे, वो है हमारा ऑथोराइजेशन, ठीक है जी, ऑथोराइजेशन। तो इसमें क्या है, इफ़ कंट्रोल इज टू बी सेटिस्फैक्ट्री एवरी ट्रांजेक्शन मस्ट बी प्रॉपरली ऑथोराइज्ड, ठीक है। कि अगर जो आप चाहते हो, जो कंट्रोल है ना ऑर्गेनाइजेशन पे, ये सेटिस्फैक्ट्री हो, ठीक है, कि तो जो सारी ट्रांजेक्शन्स हैं, ठीक है, वो अच्छे से मतलब हैंडल की हों, मतलब लीगली हों, चेक हो कि भाई हाँ ये सारी सही है, ऐसा ना हो बीच में कुछ गलत ट्रांजैक्शंस डाली गई हों, ये सारा ये ऐसी ना हो, मतलब चेक हुई हो उन्हें, तो जो ऐसा इससे, है ना, मतलब कंट्रोल है, ऑफ कोर्स फिर ऑर्गेनाइजेशन का कंट्रोल अच्छा होगा, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।